एग्जैक्टली 4:55 पे प्री वर्कआउट मील इज रेडी, ब्लैक कॉफी एंड सम स्वीट पोटैटोस एंड थोड़े बहुत टोस्ट। तो इसे खाने के बाद जिम निकलते हैं अपना कम से कम आधे घंटे बाद, मतलब कि कम से कम 5:30 बजे। तो प्री वर्कआउट मील अभी हम खा चुके हैं और मुझे शायद लग रहा है कि बॉडी में कैफीन प्रॉपर नहीं पहुंचा है, तो शायद मैं एक ब्लैक कॉफी और पीऊँ, तो उसके बाद मिलते हैं। मम्मी मम्मी अंडे रख देना, राइस है ठीक। तो सुबह सुबह हम जिम निकल चुके हैं और पूरी रोड पे कोई भी नहीं है, जहाँ तक है सब कुछ रोड आगे खाली ही है। और अभी जिम पहुँच के मिलते हैं और विदाउट माइक के शूट कर रहा हूँ मैं सारा, तो मुझे पता नहीं ऑडियो कैसी आ रही होगी, ये तो पूरा डार्क हो गया। तो ऑडियो जैसी भी आ रही होगी प्लीज़ देखो ज़रा, इतने हमारे कोई ब्रांड कोलेबोरेशन नहीं मिलता माइक वाइक के लिए, तो देखते हैं तब तक ऐसे ही चलते हैं। ध्यान भैया व्लॉग में आओगे, व्लॉग में आओगे, ये फालतू लोग। कैमरा खरीद रहे हो किसके लिए? मेरे लिए। आज क्या लगाऊं? कल मेरे बैक का है, बाइसेप्स। ये सीन डालू हमें गाइस देखो ये क्रिया करो, इस व्यक्ति का है और कोई नहीं। अभी वार्म अप कंप्लीट हो चुका है और वार्म अप में भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा पंप आ चुका है। अभी ट्रैक सूट में तो उतना दिखेगा नहीं, मैं अब सेट मारना शुरू करते हैं, सेट पूछ के आते हैं कौन सा कर रहे हैं। अभी फर्स्ट सेट बोला है बारबल रोड करने के लिए बाइसेप की, तो चलिए वो स्टार्ट करते हैं। काफी बढ़िया पंप आ रखा है, फर्स्ट सेट कंप्लीट हो गया हमारा, अब सेकंड सेट की तरफ चलते हैं, पूछ के आते हैं पहले। चलो
सेकंड सेट ही था है वे? ये तो सेकंड सेट था अभी सर, सेकंड सेट में जान निकल गई भाई सब थी। मर जा मर जा। वो कौन सा था तो हड्डी फीलिंग वाला टॉमी है, सादा कुटर टॉमी। जाननी है जो लोग समझे ईगो लिफ्टिंग है, ईगो लिफ्टिंग नहीं थी, ये प्रोफेशनल लिफ्टिंग थी। ओ भाई फोर आर्म्स तक पंप हो गए पूरे। ओ वेन इतनी क्लियर पहली बार दिख रही है मिरर तक। ओ मजा आ गया जिंदगी देखो दो लड़के जिम में क्या कर रहे हैं। मजा आया। तो गाइस फाइनली हमारा वर्कआउट अब खत्म हो चुका है। मैंने किया बाइसेप और तूने क्या किया था? बैक। तो भाई ने बैक करी थी, बैक वैसे नजर तो आ नहीं रही इसकी कुछ। नहीं है बेटा सही। तो अभी मैं आधी मील अपनी खा चुका हूँ और लास्ट मील अपनी प्रेप कर रहा हूँ मैं अब। इसमें ये बॉइल्ड चिकन है, मैंने मैरिनेट करके रख रखा था 15 मिनट से। अब इसे कुक करूँगा मैं, कुक करने के बाद दिखाता हूँ आपको कैसा दिखता है ये।